ऑडियो ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें बीजेपी विधायक अपने किसी चहेते को बता रहे हैं कि अवैध खनन उनके ही दम पर चल रहा है। इस ऑडियो को सुनकर खुद को ईमानदार बताने वाली भाजपा सरकार की छवि को धक्का लगने वाला है। देखिए रवि परियार की खास रिपोर्ट। मामला मऊरानीपुर का है, जहां शुक्रवार की सुबह एक वायरल ऑडियो ने हलचल मचा दी। ऑडियो में बीजेपी के मऊरानीपुर विधायक बिहारी लाल आर्य अपने किसी खास को घाट से बालू की सप्लाई की पूरी जानकारी देते हुए सुनाई दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मऊरानीपुर के घाट उनके ही दम पर चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले प्राथमिकता उनके खासम खास और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दी जा रही है, क्योंकि चुनाव में उन्होंने मेहनत की थी। आइए सबसे पहले सुनते हैं वो वायरल ऑडियो। हेलो विधायक जी, मृगेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ, अरे ये कह रहा है कि हम आपसे मुलाकात नहीं कर पाए। हाँ। और कहाँ हैं अभी आप? हम हाँ दुरानी पर थे। अच्छा, तो कब मुलाकात हो जाएगी आपसे, कल की आज? जब से हो जाए मुलाकात। अब हम वही कह रहे हैं ना कि उसको निपटा लो भाई साहब। आप हैं कैसे कैसे काम? हाँ। चलेगा आप बताओ। हाँ ठीक है, बैठ लेंगे, पर बैठ के हो जाए बात। को नुकसान तो ना हो ना अपना, अब उसमें पैसा भी लगा है अपना, सब कुछ है ना। आए थे तो हाँ, साहब से बात हुई थी कल, बात हो गई तो हाँ, आए थे चार से पाँच बजे। हाँ क्या कह रहे थे तुम? तो अच्छे बोले, हम ही चला रहे हैं, हम खुद ही चला रहा हूँ। अरे आपको गुमराह कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है, बता आपको। नहीं, वे गुमराह कर रहे हैं आपको। सत्येंद्र आयावास उसके पार्टनर हैं, ठीक है। नहीं तो बोले हमें पैसा एक रुपये नहीं देखी किसी से, एक रुपये लगे नहीं है, पाँच रुपया। नहीं भाई, आपसे गलत कह रहे हैं, और वो कुल मिला के आपको गुमराह कर रहे हैं कि आपस में फूट हो जाए। उनको तो घाट ही चालू ना हो, तो कैसे हमने कराओ, कैसे लखे घाट कराओ, वो हम भी चल पाओ तो घाट चलते होगा, बंद हो तो। अरे वो हम भी जानते हैं ना, हमने वो चालू कराओ, चालू हो रहा हो तो घाट उनको पता है। आप ना होते तो चालू हो तो तोमर साहब घरे गए थे दाऊ साहब के पास, तो दाऊ साहब ने डीएम से भी बात कराई थी उनकी, सब करा दिया था। कराई नहीं हमने, बैठ के डेढ़ घंटा डीएम में बैठे जब कराओ हमने, लखनऊ से फोन कराए तो बात हुई, जब कराओ तोमर साहब पता हो गया आप तो कहो हमने कराओ, या तो एक दिन घाट में चलते हो ना, एक दिन कुछ हो तो उनको ये करो, पाँच चार पाँच लाख रुपए की रिकवरी लगती हो देते थे वो, चल तो भी ना चला पाऊ फिर का। अब ऐसा है कि देखिए हमारी और आपकी बात है, तो हम सोच रहे बैठ के बात हो जाए, स्पष्ट है ना। तो आपसे हम देखिए मजा नहीं आता कि हमारे कोई मन में कोई बात आए या आपके मन में कोई बात आए, तो आप बैठ के अपनी बात कर लेंगे, ठीक है ना। आप जब कहो हम तब आ जाए, कहो कल कहो तो कल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जब जब आने वाले हम तो कल बात हो जाए, कल हो जाए कोई बात नहीं है। मतलब ये है कि अभी दिक्कत ना आए कोई अपन को वहाँ पे, बस इतना बात हो जाए, वो हो जाए कोई घर की बात हो जाए, कोई बात नहीं भाई। हमारा मतलब क्षेत्र जैसे अपना है कि नहीं, हमारा मतलब आप सुन लो हमारी एक बात, कुल पर की बात, क्षेत्र हमारा है तो हमारे लोग जो चुनाव में राज्य जिसने मेहनत करी तो वे लोग काम करें कि नहीं करेंगे, बाहर के लोग आके तो हमारे डेरा डाल के काम करें? नहीं नहीं बिल्कुल करेंगे, उनको अपन बाहर के लोग मने नहीं कर पाए काम, आप बताए आपको हमारे लोग जो है राज्य जिन्हें मेहनत करी वो ये करें काम जिन्हें वोट दें। नहीं बिल्कुल करेंगे, उनको अपन संतुष्ट करेंगे। हाँ खा रहे लोग बाहर के लोग आके क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम बैठे हैं, हमारी दम ले रहे हैं लोग भाई, कार्यकर्ता को लाभ ना मिले तो क्या फायदा है भाई। आपकी जो स्थिति है वही मेरी स्थिति यहाँ करो ये तो घर बैठा देखो आप कहा मऊरानी को छोड़ दो कैसी है, कार्यकर्ता बेचारे परेशान हो बेचारे। अब ये सत्येंद्र राजा आपको क्या कहने होता है, जो अरे जो आप कहो हो जाए भाई, आपके लाए तो हम ये कहूँ आपसे कोई दिक्कत नहीं है हमें, आप तो हमारे घर के हो, परिवार के बड़े भाई हैं हमारे भाई साहब, तो आपके लाने क्या दिक्कत है, आप जीते रहो आपके लाने सही। अब और लोग आगे काम करें थे तो वो तो संभव नहीं है ना, और कोई काम नहीं करेगा, काम हम ही करेंगे और आप करेंगे बस। हाँ तो आप हम करें जो चाहे करें,
लेकिन और लोग सुधीर सिंह और या राजा सिंह आके देखने दे नहीं कर पाया था। नहीं, बे हमारे घाट एक बार नीचे रहेगा, घाट बंद रहेगा। हमारी सुनिए, हमारे बिहार पे कर रहे हैं हम, बे हम उनको हम लगाए, आप करो, हम आप कुछ भी कर सकते, आपके लिए हम सब चाहे चाहिए, दूसरा आदमी नहीं कर पाएगा। ये सोचेगा हम चलाए, नहीं नहीं, बे कैसे चला लेंगे, बे बिना हमारे आपके वे कैसे चला लेंगे। तो हमारी आपकी बात हो गई, जितने जब हो जाए चलेगा। इसके बाद हमारे संवाददाता ने विधायक जी से बात की तो उनका ये कहना था कि वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, बाहरी लोगों को लाभ मिले उससे अच्छा है कि वह अपने कार्यकर्ताओं को लाभ दिलाए। तो आपने कहीं भी नहीं तो हमें बचा रहे, जनता की बात करी, कार्यकर्ता की बात करी, तो भाई हमारी जान खा रहे कार्यकर्ता होने काम बाहर के लोगों और कोई बात एक परसेंट उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। सारे लोगों के फोन आ गए, ऊपर से भी आ गए, आपका कोई फॉल्ट, आपसे कोई मुख्यमंत्री सुन ले या प्रधानमंत्री सुन ले, अपन कोई बात ही नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री योगी अपने विधायकों को ईमानदारी से काम करने की नसीहत देते हैं, फिर ऐसी क्या वजह हो जाती है कि ईमानदार छवि से सत्ता में आने के बाद ये लोग सिर्फ अपने खास और पार्टी के लोगों के बारे में ही सोच पाते हैं? क्या आम जनता इन्हें वोट नहीं देती? जिस खनिज का व्यापार होता है वह सिर्फ उनका नहीं बल्कि बुंदेलखंड को प्रकृति का दिया उपहार है, आखिर ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि वोट उन्हें जनता ने दिया है? तो फिर फायदा सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं को ही क्यों दिया जाता है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो जनता के दिलो दिमाग में हैं। जनप्रतिनिधि को चाहिए कि मोदी और योगी से नसीहत लेकर वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करें, ना कि सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के लिए। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।